नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की हालत में सुधार आया है। सहारनपुर जिला अस्पताल में आईसीयू में है आजाद। जिला अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद का इलाज चल रहा है। सहारनपुर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के कई जिलों में सहारनपुर पहुंच रहे कार्यकर्ता। तो बता दें, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की हालत में सुधार आ गया है, सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में कल बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर गोली चला दी थी, जिससे वह घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि अब उनके स्वास्थ्य को लेकर सहारनपुर के सीएमओ डॉक्टर रतनपाल सिंह ने यह अपडेट दिया है कि उनकी हालत में सुधार हो गया है। सहारनपुर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों से सहारनपुर पहुंच रहे हैं भीम आर्मी चीफ को देखने के लिए उनके कार्यकर्ता। यूपी के कई जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सहारनपुर। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की हालत में सुधार आ गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर सीएम डॉक्टर रतनपाल सिंह ने यह अपडेट दिया है। आपको बता दें, सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह ने यह अपडेट दिया है। आपको बता दें, कल सहारनपुर के देवबंद में बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी थी, जिससे वह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको देखते हुए जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद कुमार सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। शरद कुमार, अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में कल जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राउंड पर जो है ये हमला हुआ था, उसके बाद जो है जिले का माहौल जो है वो आसान होने की कगार पर था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तत्परता के चलते हुए पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी की गई और शांति व्यवस्था कायम करना और चंद्रशेखर आजाद के स्वास्थ्य को ठीक कराने में जो प्रशासन की भूमिका रही है, उससे जो है जिले का माहौल खराब नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल जो हालात हैं अभी सामान्य हैं और सहारनपुर में जिला प्रशासन नाकाबंदी के बाद जो है तीन लोगों को हिरासत में लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। और जिस डिजायर स्विफ्ट डिजायर की बात की जा रही थी कि हमलावर उसमें आए थे, तो वो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। जी शरद, इसमें कितने लोगों की जानकारी निकल के सामने है, कितने लोग इसमें शामिल थे? सूत्रों के हवाले से निकल के जानकारी है कि तीन लोग गिरफ्तार क्यों हो चुके हैं, तो और कितने लोग इसमें शामिल थे? देखिए, अगर पुलिस सूत्रों की बात को माना जाए तो गाड़ी में लगभग चार लोग मौजूद थे, जिनमें से तीन लोगों की अभी संदिग्ध जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस जल्दी ही इस पूरे मामले का आज खुलासा कर सकती है। जो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजनीतिक दांव की तरह इसे समझ रही है पुलिस, और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जो है बारीकी से जांच कर रही है। कई टीमों को जो है इस पूरे मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने लगाया है और पुलिस कहीं ना कहीं हमलावरों के नजदीक पहुंचने का काम कर चुकी है। जी शरद कुमार, अभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की हालत कैसी है? देर रात जो बुलेटिन जो है, देर रात जिला अस्पताल की जो बुलेटिन जारी हुआ था, सीएमएस डॉक्टर रतनपाल चंद्र ने जो कहा था उसी के आधार पर जो अगर बात की जाए तो सभी तरह के उनके टेस्ट जो है रात अल्ट्रासाउंड एक्सरे सभी कर लिए गए थे। गोली के निशान जरूर हैं लेकिन घाव इतना गहरा नहीं है कि वो चल फिर ना सके। तो रात ही जो है जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि अब चंद्रशेखर खतरे से बाहर है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जी तो अस्पताल में अभी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए पुलिस की तरफ से? देखिए, सुरक्षा के चंद्रशेखर आजाद को जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है और लगभग चार पांच इंस्पेक्टर के साथ जो है पीएससी फोर्स को भी जो है अस्पताल परिसर में लगाया गया है ताकि समर्थकों की जो भीड़ है वो ना बढ़ सके और किसी तरह का उग्र प्रदर्शन ना हो सके। देर रात की अगर बात की जाए, देर रात भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल को घेर कर देर रात तक नारेबाजी करते रहे थे और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए थे। शरद, जानकारी निकल के सामने आ रही है कई जिलों से सहारनपुर पहुंच रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, तो इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक क्या तैयारी कर रखी है लोगों के लिए? देखिए, भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर, उन्होंने रात ही अपनी एक अपील जारी की थी, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया था कि आज एक
जो है एक समुदाय का त्यौहार भी है। इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की अशांति न फैलाई जाए और किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन न किया जाए। और उन्होंने अपने साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपनी लड़ाई को वो संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। इसलिए उनके इस बयान के बाद जो है सहारनपुर में कार्यकर्ताओं की आवाजाही अभी जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन इस कम होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि देर रात से ही सहारनपुर में बरसात जारी है, तो कहीं ना कहीं मौसम खुलेगा तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता घर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर चंद्रशेखर से मिलने की कोशिश करेंगे। इसी लिहाज से सहारनपुर पुलिस ने नाकेबंदी पूरी तरीके से की हुई है। तो शरद, चंद्रशेखर आजाद की हालत में सुधार है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते अगली खबर का। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं, ये दिन सभी के लिए सुख और शर्मंदगी लाए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये समाज में एकजुटता की भावना भी कायम रखे। तो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ईद की शुभकामनाएं दी है, उन्होंने कहा है कि ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लेके आए। आपको बता दें ईद की लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभकामनाएं दी हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बकरीद की शुभकामनाएं दी, उन्होंने कहा कि ये दिन आप सभी के लिए सुख और समृद्धि साथ लाए, साथ ही हमारे समाज में एकजुटता सद्भाव की भावना को भी कायम करे। ईद उल अजहा को बलिदान के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें ये इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुलहिजा के 10वें दिन पड़ता है। तो आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, ईद की शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये समाज में एकजुटता की भावना भी कायम करेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को ईद उल अजहा की बकरीद की शुभकामनाएं दी। आज देश भर में बकरीद की मनाई जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकरीद की शुभकामनाएं दी। इन्होंने कहा कि ये दिन आप सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए, साथ ही हमारे समाज में एकजुटता की और सद्भाव की भावना भी कायम रखे। तो देश भर में आज ईद मनाई जा रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भी ईद की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नेताओं और वहां के लोगों को भी शुभकामनाएं दी हैं। तो इस वक्त की हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईद को लेकर देश भर में ईद मनाई जा रही है, जिसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि ईद उल के मौके पर कि सभी नागरिकों, विशेष रूप से भारत और विदेशों में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक और शुभकामनाएं देती हूं। वहीं उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ईद की शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिली मुबारकबाद दी है। मायावती ने सभी भारतीयों को मुबारकबाद शुभकामनाएं दी है। तो ईद को लेकर मायावती ने भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए हर्षोल्लास लेकर आए। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को मुबारकबाद दी, इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। तो देश भर में आज ईद को लेकर मनाई जा रही है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति समेत मायावती ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को मुबारकबाद दी है और उन्हें दिली मुबारकबाद दी है। तो देश भर में आज ईद उल अजहा पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मायावती ने लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को ईद उल अजहा दुहार की दिली मुबारकबाद। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी शुभकामनाएं दी हैं, सभी भारतीयों को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को ईद की मुबारकबाद। उधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दोनों धार्मिक मुद्दों पर काफी चर्चा में बने हुए हैं। एक बार उनके ट्वीट ने बवाल मचा दिया है, देखिए रिपोर्ट। अक्सर अपने बयानों को लेकर सियासी तूफान खड़ा करने वाले
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं, तभी तो आए दिन कोई ना कोई बयान की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान का जिक्र करते हुए, तो कभी मंच से ही पंडित पुजारी और धर्माचार्यों को कोसते कोसते ये तक कह देते हैं कि साधुओं के भेष में ये आतंकवादी हैं। ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आ गया, तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। मगर एक बात भाजपा सरकार यदि सही मायने में धर्मांतरण रुकवाना चाहती है तो जाति धर्म के नाम पर अपमानित करना बंद करे और तथाकथित मनगणत धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखनीय अपमानजनक तथ्यों को संशोधित व प्रतिबंधित कराए। अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट पर दोष मढ़ने की बजाय मंदिरों में चल रहे पंडे पुजारी और धर्माचार्यों के गठजोड़ व सिंडिकेट को खत्म कराए। तो यानी स्वामी का मानना है कि देश में धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है उसे कोई और नहीं बल्कि हिंदू समाज के पंडे पुजारी और धर्माचार्यों के गठजोड़ से ये सिंडिकेट चलाया जा रहा है। अब स्वामी के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से वो साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। पाप की घड़ा भर गया है, हिंदू समाज को अपमानित कर रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, इसलिए इनके पाप के घड़े को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप के घड़े को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने अपने जो है इनके ऊपर बुलडोजर चलाए, क्योंकि इनके पाप के घड़े पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जो है तब तक ये बकवास करते रहेंगे, इस प्रकार के बोल के हिंदुओं की भावना को आहत करते रहेंगे और देश में संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आखिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी क्यों शांत हैं? तत्काल इनके पाप के घड़ा भर चुका है, अब इनके ऊपर जरूरी है कि जल्द से जल्द उस पर जो है बुलडोजर चलाया जाए और इनको नेस्तनाबूद किया जाए ताकि जो है दोबारा भविष्य में कभी किसी की भावना को आहत करने की हिम्मत न कर सके। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्वामी का ये ट्वीट सीएम योगी के उस बयान के पलटवार के रूप में माना जा रहा है जिसमें हाल ही में सीएम योगी ने गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ एक्शन का जिक्र किया था। एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स खेलता है, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने दायरे को फैलाए थे, टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुस गए। स्वामी के बोल सियासी बवाल और सियासी तमाशे के गवाह बन रहे हैं। आए दिन साधु संतों को कोसना और रामचरितमानस के खिलाफ बिगड़ेल बयान देना रुक नहीं रहा, तो क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी को सपा ने पूरी छूट दे रखी है?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उधर झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को फटकार लगाई है। चुनाव में देरी को लेकर रांची के पार्षदों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए गए। साथ ही जवाब दाखिल ना करने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार निकाय चुनाव में देरी क्यों कर रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में निकाय चुनाव समय पर न होने के चलते हेमंत सोरेन की सरकार की फजीयत हो रही है। ऐसे में अब लगे हाथों झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार को समय से निकाय चुनाव न होने के चलते फटकार लगाई है। नगर निकायों का समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। निकायों का चुनाव जल्द कराने के लिए निवर्तमान पार्षदों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता है, पिछले वर्ष को उनका हक और अधिकार मिले। आपने देखा होगा कैसे 28% आरक्षण के लिए हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा, उसे केंद्र की सरकार ने लटका कर रखा। पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को कम करने का काम किया था। तो सही मायने में पिछड़ों के हितैषी ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, प्रतिबद्ध है कि जो पिछड़ों को उनका हक और अधिकार है वो कैसे दिया जाए। उसी के तहत ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से होना है, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। कैबिनेट की बैठक निकाय चुनाव के लिए सरकार पहले भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थी और हम पहले भी निकाय चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार अरंगा डालने का यह परिणाम रहा कि इस राज्य में निकाय चुनाव स्थगित हो गया। लेकिन अब सरकार पूर्ण रूपेण निकाय चुनाव के लिए फिर से संजीदा होकर के निकाय चुनाव कराने को लेकर के पूरी तरह तैयार है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस राज्य में निकाय चुनाव हो तो पिछड़ों वर्ग के आरक्षण का मामला जो चल रहा है, उस आरक्षण को लेकर के हम निकाय का चुनाव कराएं, ताकि हम पिछड़े वर्ग के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम पिछड़े वर्ग को उसका हक और अधिकार। हेमंत सरकार का ओबीसी विरोधी रवैया जो चेहरा है वो साफ है, और इन्होंने तो पंचायत चुनाव जिस समय हो रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था, और ये 1.5-2 वर्ष पहले की बात है कि हम ट्रिपल टेस्ट करा के ही इसके बाद नगर निकायों का चुनाव कराएंगे। लेकिन सरकार नगर निकायों का चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चले गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट का मामला गया तब सरकार को नगर निकायों का चुनाव रद्द करना पड़ा। और लगातार हमारे प्रतिरोध के कारण, हमारे विरोध के कारण अब ये ट्रिपल टेस्ट करने के लिए अब ये पिछड़ा आयोग से इसकी करवाने की कवायद शुरू की है। वहीं कोर्ट की तरफ से सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 जुलाई तय की गई है। वहीं खबर ये है कि अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब दाखिल न करने पर ₹5,000 जुर्माना लगाने की बात कही गई है। बता दें कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव होना है। ओबीसी आरक्षण लंबित होने के चलते निकाय में देरी हो रही है। इसी को लेकर राशि नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद की ओर से याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि शहरी निकायों के चुनाव जल्द कराए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निवर्तमान पार्षद को ही तदर्थ रूप में दायित्व निर्वहन करने का आदेश कोर्ट से कराने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। वही इस वक्त जयपुर से इस वक्त की बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी। 4 विभागों के 5 एजेंडों पर ये आज मुहर लगने की संभावना है। जनता को राहत देने वाले कई फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। नए जिले को लेकर भी कैबिनेट बैठक कोई फैसला ले सकती है। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक है। तो गहलोत कैबिनेट की आज बैठक है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। नए जिले को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो 4 विभागों के 5 एजेंडों पर आज मुहर लग सकती है। बैठक में नए जिलों को लेकर भी फैसला ले सकते हैं। कैबिनेट के बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है, जो जनता को राहत देने के लिए कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक होगी शाम 5 बजे, गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई लोग शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में 4 विभागों और 5 एजेंडों पर मुहर लग सकती है। जनता को राहत देने वाले कई फैसले पर मुहर लग सकती है। नए जिलों को लेकर भी कैबिनेट में बैठक फैसला आ सकता है। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान में
विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर आज शाम को सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से जुट गई हैं। इसको लेकर आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 4 विभागों के 5 एजेंडों पर आज मोहर लगेगी। वही इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में मौसम ने मिजाज बदला है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो दिल्ली में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस दौरान ही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस का समय है, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से लोगों को ऑफिस जाने में, अपने काम करने जाने में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत और उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को सुबह के वक्त ऑफिस जाना होता है, लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं सुबह के बाद पानी भर जाने की वजह से लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों को कई तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर, जहाँ कई बस पानी के भर चुका है, कई बस पानी में डूब चुकी है, कई जगह कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना पड़ना पड़ा है। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस समय लोगों को ऑफिस के वक्त में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। उधर लखनऊ में प्रदेश भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कम दबाव की सक्रियता के चलते बारिश का दौर कल सर्वाधिक बारिश होने की संभावना जताई है। लखनऊ में कई जगह कुछ दिन बारिश का दौर रहेगा, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। तो लखनऊ में कई जगह बारिश का दौर है। दबाव कम सक्रियता को चलते बारिश का दौर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कम दबाव की सक्रियता के चलते बारिश का दौर, उन्होंने कहा कि कल सर्वाधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है लखनऊ में। वहीं देश भर में इस समय कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं लोगों को उमस से राहत मिल रही है, लेकिन एक तरफ जलभराव की स्थिति से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कम दबाव की सक्रियता के चलते बारिश का दौर है, उन्होंने कहा है कि कल सर्वाधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इंडिया वॉइस में खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।